guys, what's up? Welcome back on my channel and you are watching Crazy Kanya. Welcome back and how are you all? So, aaj ka mera topic hai all about charcoal black peel off mask. Yes, so मैंने आज charcoal black peel off के बारे में आपको बताऊंगी. So how it works and कैसा मेरा experience रहा है. मैंने भी इसको एक बार भी apply नहीं किया है अपने face पे. So काफी सारे लोग पूछ रहे थे, मेरे अपने friends ही पूछ रहे थे कि यार इसके ऊपर एक बना के दिखाओ मैं, because उनको भी जानना है इसके बारे में. So I am like, okay, let's get it. Let's start with it. So मैं ये वाला use कर रही हूँ जो भी मैंने recently मंगवाया है purple.com से. ये है Mons का black charcoal peel off. Okay, so ये वाला है. मैं इसकी recommendation की video भी आपको बनाकर दिखा दूँगी. अगर आपको ये चाहिए तो इसकी link आप नीचे description से ले सकते हैं. So let's start it. बहुत सारे लोग ब्रश से लगाते हैं यार. मैं ऐसे लगा लूं. मेरे पास वो फ्लैट वाला ब्रश नहीं है यार, मैं हाथ से ही लगा रही हूँ यार. ये पता है मुझे अलकतरा की तरह रोड बनाते हैं ना, वैसा कुछ. आई एम श्योर मेरे जो फ्रेंड्स देखूंगे ना मुझे शॉलेट में, दिल जस्ट टेक एसेस ऑफ मी एंड वो पोस्ट कर देंगे. एंड जिनको भी आइडिया नहीं भी आया होगा ना, वो मुझसे आइडिया लेके वो कर देंगे. मैं वो नहीं लग रही हूँ कॉलिया. यार पता है मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि बहुत ही ठीक लगाना होगा इसका आपका, थोड़ा ठीक करके लगाएगा. यहाँ पे सबसे ज्यादा ब्लैक हेड एंड व्हाइट होती है. हाँ तो यार फेस चाकोर पील ऑफ की क्या बात है ना, कि ये मोस्टली लोग दो तीन जगह पे यूज करते हैं. फर्स्ट वो तभी यूज करते हैं जब उनको ब्लैक हेड एंड व्हाइट हेड की प्रॉब्लम होती है. मेरे लिप्स पे लग गए, मैं कैसी लग रही हूँ यार. जब उनको ना ब्लैक हेड एंड व्हाइट हेड की प्रॉब्लम होती है तब वो ये करते हैं. एंड मुझे अब खुद को देख के डर लग रहा है. एंड सेकेंडली वो तब करते हैं ये चीज जब हमें कहीं जाना होता है, हम पार्टी रेडी होते हैं. बट आज मैं घर पे ऐसी खाली बैठी हुई हूँ तो किसी ने बोला, तो मैंने बोला कि चलो यार, मैंने भी नहीं यूज किया हुआ, ऐसे मंगा के रखा हुआ है, एक बार लगा के कर लेती हूँ. यार मुहूर्त नहीं निकलता, कॉलेज जाना होता है, ऊपर फिर मैं आती हूँ थक जाती हूँ, मुहूर्त ही नहीं निकल पाता. अभी तो हमारे एग्जाम्स भी चल रहे हैं. वैसे यार बहुत लोगों ने मुझे पूछा है ना कि अपने इंट्रोडक्शन वीडियो बताओ, मतलब कि ऐसे कमेंट्स भी पूछ रहे हैं. एंड मेरे फ्रेंड्स कुछ है ना, मतलब जो मुझे जानते नहीं है, मैंने क्या किया था ना कि सबको शेयर कर दिया. सो दे वर लाइक ओके टेल मी अबाउट यू. मैं कैसे लग रही हूँ, हाउ एम लुकिंग लाइक. तो यहाँ भी थोड़ा लगा लेती हूँ, अच्छे से लगाना यार. काली हूँ मैं, थोड़ी गोरी हूँ तो जाऊँ हर जगह लगा, मेरे बाल चिपक जा रहे हैं यार. ये वैसे फेस में हो गया है ना, सूख रहा है, मैं ना बात ही नहीं कर पा रही हूँ. मैं बता वो वो तुमने एक म्यूजिकली देखा है वो बम फटा वाला,
कि एकदम से बम फटा तो उसमें जो लोग ऐसे बन के आते ना, मैं वैसे ही लग रही हूँ, उसको लगा के भी मैं वो वाला कर सकती हूँ। और ना मैं ना वो बैटमैन वाला अंकल की तरह लगा, बैटमैन वाला अंकल तो गंदा हो गया ना, मैं हाथ धो के। हाँ यार, तो आई एम बैक, मैं कैसी लग रही हूँ? प्लीज यार, प्लीज मेरे जितने भी अच्छे दोस्त हैं, कोई भी प्लीज मेरे ऐसे स्किच के मत रखना, मेरे को सही में बहुत खराब लग रहा है। ठीक है, ये तो क्या हो गया पता नहीं यार, मैं दिखाऊंगी कि मैं गोरी हो रही हूँ कि नहीं हो रही हूँ, मम्मी मारेगी, मैंने पोछ दिया मैं बात भी नहीं कर पा रही हूँ सही से। हाँ तो हाँ यार, तो वही आप लोग ना मेरे को एक काम करो कि ये मेरा तो नया यूट्यूब चैनल है, तो मेरे को ना नीचे कमेंट्स में कोई सजेशंस दे दिया करो कि आप लोगों को क्या जानना है मैं किसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। सो वही बताया करो, मैं ऐसे भी नहीं कर पा रही, कुछ भी नहीं कर पा रही, कैसा हो गया मेरा फेस यार। मेरे कौन कौन से दोस्त इसको लगाना पसंद करेंगे? ब्लैक, मैं इसके जैसी लग रही हूँ उसकी जैसी? बस फर्क यही है ना कि इसके आँख ना के आप तरफ गोरे गोरे, मेरे थोड़े गोरे नहीं है, वो थोड़ी गोरी नहीं हूँ, लेकिन बस किस लिए लेफ्ट में आइकॉनिक काजल वाला म्यूजिक ही मेरे ऊपर ही बना है। सूख रहा है, लग रहा है क्या सूख रहा है? नहीं नहीं, गीला है यार। इसको बोला है गया है कि 20 मिनट रखने को, मैं 20 मिनट तक क्या करूंगी, अगर 20 मिनट तक कुछ करना ही है तो मैं जा रही हूँ अपना कुछ पढ़ाई लिखाई जैसा कुछ काम कर लेती हूँ, ठीक है ना। मैं इतनी गंदी लग रही हूँ यार, हटो 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 हटो, ये नहीं रिकॉर्ड कर सकते। वेलकम बैक, और देखो मैं बात नहीं कर सक रही हूँ एंड थोड़ा टाइम हो गया, ये सूख गया पता है, मैंने उतनी देर तक बैठ के एडिटिंग कर ली जो मैंने बनाया उसका। सो अभी लेट्स सी, पता है मुझे थोड़ा सा और मोटा लगाना चाहिए था, बिकॉज तभी शायद इसको, मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि जब भी आप लगाओ ना इसको थोड़ा और ठीक लगाना, मैंने थोड़ा पतला लगाया। सो चलो यहाँ से निकालते हैं, कहाँ से निकालते हैं, निकलते नहीं, निकलेगा निकलेगा, निकल से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, निकल जा निकल। देखो मैंने बहुत ही मुश्किल से यहाँ से निकालने की ट्राई कर रही हूँ, सो यार ये मैंने लगा के लग रहा गलत कर दिया है, निकल ही नहीं रहा, ये क्या निकला छोटा से, निकल ही नहीं रहा यार। अरे सुनो ना, ऐसा नहीं लग रहा है, देखो देखो देखो, यहाँ से गोरी लग रही हो ना, लग रही आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? आए लग रहा है यार, लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है, देखो मैं इधर से गोरी हो रही हूँ। बहुत दर्द हो रहा है, मम्मी यार देखो मैं बहुत तकलीफ हो रही है, देखो इतना मैंने पार्ट निकाला हुआ है एंड बहुत ही दर्द हो रहा था, वही अभी भी हो रहा है। मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, मैं मम्मी के पास जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ मम्मी के पास, मम्मी मैं से नहीं निकल रहा, मैं मम्मी के पास आ गई हूँ, मम्मी निकाल दो, गोरे हुए क्या, हुए क्या गोरे, गोरी हो रही क्या, oh
मैं निकाल के बाद में आती हूँ यार, ये मुझसे ना हो पाएगा यार, ये मैंने क्या लगा। मम्मी भी हार मान चुकी है, लेकिन देखो यार भी मैंने इंस्ट्रक्शंस पढ़ा ना, तो वहां से मुझे पता चला कि कैसे निकालना है इसको। एक्चुअली इसका क्या है पता है कि मैंने ना बहुत ही पतला लेयर लगाया, देख रहे हो इतना पतला लेयर लगाया, इतना पतला लेयर मुझे लगाना ही नहीं था, मुझे थोड़ा मोटा लेयर लगाना था, नहीं तो मेरा ये हो जाता। ठीक है यार मैं क्या बोलूं, ठीक है यार मैं इसको निकाल के आती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। यस एवरीवन वेलकम बैक, एंड देखो मैंने इसको निकाल लिया है, निकालने का बहुत प्रॉब्लम आया बट उसमें मेरी गलती थी। एक्चुअली मैंने क्या किया ना कि मैंने आप लोगों के सामने बस एक ही लेयर लगाया, एक्चुअली इसमें दिया हुआ है कि यू नीड टू ओवरकोट, उसको आपको थोड़ा थिक रखना होगा और मैंने बहुत ही ज्यादा थिन रखा था। एंड मैं लगा के गेम खेलने चली गई थी, तो गेम खेलते खेलते क्या हो गया, इतना ज्यादा सूख गया कि वो मुझसे निकलते नहीं बन रहा था, बट अब मैंने निकाल लिया है। एंड आई एम जस्ट फीलिंग क्या ना कि मेरे जो पोर्स बहुत ज्यादा ओपन थे ना, ओपन लूज पोर्स थे, वो पोर्स मुझे बहुत टाइट लग रहे हैं, मुझे यहाँ से बहुत ज्यादा कम महसूस हो रहा है, यहाँ पे बहुत कम महसूस हो रहा है, सो इट्स गुड। अगर मैंने वो गलती नहीं की होती सो तब तो बहुत ही ज्यादा गुड गुड होता, लेकिन अभी वैक्सिंग सा लग रहा है बट फेस की वैक्सिंग की तरह लग रहा है। सो नाउ मैं आप लोगों को बताऊंगी, रिकमेंड करूंगी कि मेरे पास ये कहाँ क्या फर्क क्रीम, ये दो क्रीम्स हैं जो मैं ऐसा कुछ भी करने के बाद एक बार लगाती हूँ। दिस इज लोटस का प्रोफेशनल, टू क्रीम्स है, एक डे क्रीम है एंड एक नाइट क्रीम है। सो एक मैं रात को सोने से पहले अगर कुछ करती हूँ तब मैं लगाती हूँ, एंड दिस इज SPF, लोटस का SPF प्रोफेशनल का वाइटनिंग क्रीम है। सो ये वाला मैं यूज करती हूँ, स्मूदिंग गुड, सो ये मैं यूज करके इसको लगाती हूँ हमेशा मोस्टन। सो एक्चुअली इससे क्या होता है ना मेरी जो स्किन है ना बहुत ज्यादा मॉइस्चर स्मूथ हो जाती है, इट्स गुड, देखो इट्स गुड, सो यू फील फ्रेश। जब आप कुछ मेकअप वगैरह करते हो तो कितना बर्डन लगता है, अभी बिना मेकअप के कितना अच्छा लगता है, इट्स गुड। सो ये मैंने लगा लिया, मेरी स्किन शाइन कर रही है ना, सो मेरी स्किन शाइन करिए। सो ये मैंने लगा लिया है एंड ऑलमोस्ट आशा एंड गुड। सो आई रिकमेंड यू दिस लोटस का, ये दोनों लोटस का मैं आपको रिकमेंड करती हूँ, डे एंड नाइट प्रोफेशनल क्रीम। ट्विटर में कैसे लगा आपको आज का मेरा व्लॉग, मेरे साथ जो आज इतना बड़ा बड़ा चीज हो गया है, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस में आप लोग मेरे साथ है, आई एम जस्ट वेरी 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 हैप्पी। सो बताइएगा कैसा लगा एंड कौन कौन इस खतरनाक चीज को इस्तेमाल करना चाहता है। ओके सो टिल देन बाय, टेक केयर एंड डू गिव अ थम्स अप अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो। कुछ भी आप लोगों को कमेंट्स में क्वेरीज क्वेश्चन कुछ भी हो तो कमेंट्स में प्लीज आके दीजिएगा, मेरे सारे वीडियोस को एक बार लाइक कर लीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब, एंड बगल में एक बेल आइकन होगा जिसको प्रेस करने से यू विल ऑलवेज गेट माय नोटिफिकेशन, हर मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।